हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में, जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको बस टाइप करना है यूट्यूब पर दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टेलर। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको जो है मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन, चाहे वो आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी हो, चाहे आपका पीएचडी से रिलेटेड वैकेंसी हो, चाहे आपका जो है अदर टाइप के जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी वैकेंसी है, उन सबके बारे में आप वीडियोस को डालता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप चीज़ CSIR, ICMR, JRF गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको मेरे चैनल पर जो है बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंटेंट वो भी आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है आपको रेगुलरली देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आ जाते हैं नोटिफिकेशन पे। तो हमारे जो बैटल पहला नोटिफिकेशन आया है वो डॉक्टर वो DY पाटिल एजुकेशन सोसाइटी से आया है, जो कि NAC एक्रेडिटेड जो है यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो यहाँ पे देखिए बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, BSc MRIT, BSc MLT, BSc OTT के लिए यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है वो सबकी पोजीशंस को यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और जो एलिजिबिलिटी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे आपका यहाँ BSc MRIT में मास्टर डिग्री रेडियोलॉजी में या मास्टर डिग्री मेडिकल रेडियोलॉजी में या इमेजिंग टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या BSc MLT में आपका जो है मास्टर डिग्री मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री विद नेट सेट होना चाहिए। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है अप्लाई करना है विद इन 15 डेज फ्रॉम 29 दिसंबर 2021। अब देख लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो कि आया CV रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पे देखिए एकेडमिक एज वेल नॉन एकेडमिक पोजीशंस को निकाला गया है। तो यहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आप देख लीजिए, यहाँ पे जो IT से रिलेटेड डिपार्टमेंट, IT, CSE, इंग्लिश और जो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस से रिलेटेड भी यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। इसके अलावा यहाँ पे नॉन एकेडमिक पोजीशंस भी निकाली गई है। तो अगर आप जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, प्रोग्रामर, लीगल ऑफिसर, तो आप जिस भी पोस्ट पर आप एलिजिबल हैं तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एप्लीकेशन प्रोसेस जो रहेगा वो आपका यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग रहेगा या UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगा। तो अगर आप इसके लिए लाइक एलिजिबल है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन हमारा है रामा यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पे डीन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। तो यहाँ पे लॉ, मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, आयुर्वेदा, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत सब्जेक्ट्स में जो है यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपका रहेगा एज पर UGC रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी बॉडीज के अकॉर्डिंग, और जो PhD है वो इसेंशियल है फॉर ऑल टीचिंग पोजिशन। इसके अलावा यहाँ पे मार्केटिंग है, सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग है, ट्रेनर, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, एनालिटिकल स्किल ट्रेनर की वैकेंसीज को भी यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर आपको आप एलिजिबल हैं तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अपना CV और आपका अटैच जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको सेंड करना है career@ramayuniversity.ac.in, या आप कॉल करके भी यहाँ पे अदर डिटेल जो है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया है वो आया थापर इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ पे देखिए जो है थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जो कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मल्टीपल डिसिप्लिन मेंशन कर रखा है, चाहे आपका बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, केमिस्ट्री एंड बायो केमिस्ट्री, एनर्जी एंड एनवायरमेंट। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मल्टीपल डिसिप्लिन मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट मेंशन कर रखी है 31 जनवरी 2022 है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो ऑनलाइन मोड से जो है आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो अगर आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका इंटरव्यू का वो आपको जो है बाद में बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो 31 जनवरी 2022 है। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर भी तो ना चाहिएगा। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।